हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, माइग्रेन होने की कारण, लक्षण और इसके आयुर्वेदिक उपायों के बारे में आज हम बात करेंगे। माइग्रेन यानी आधे शरीर आधे सिर का दर्द। दोस्तों, इस रोग से पीड़ित रोगी के सिर में बहुत तेज दर्द होता है तथा यह दर्द सिर के एक भाग में होता है। इस रोग का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से किया जा सकता है। माइग्रेन यानी आधे सिर में दर्द होने के क्या क्या लक्षण होते हैं? इस रोग से पीड़ित रोगी के सिर के आधे भाग में तेज दर्द होता है तथा सिर में दर्द होने के साथ साथ रोगी को उल्टी होने की भी इच्छा होती है। इसके अलावा रोगी को चिड़चिड़ाहट तथा दृष्टि दोष भी उत्पन्न होने लगता है। इस रोग का प्रभाव अधिकतर निश्चित समय पर होता है। माइग्रेन होने के कारण क्या क्या होते हैं? पहला, माइग्रेन यानी आधे सिर में दर्द रोगी व्यक्ति को एक दूसरे रोगों के फलस्वरूप हो जाता है, जैसे नजला, जुकाम, शरीर के अन्य अंग रोग ग्रस्त होना, पुरानी कब्ज आदि। दूसरा जो कारण है, स्त्रियों को यदि मासिक धर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसके कारण स्त्रियों को माइग्रेन रोग हो जाता है। तीसरा कारण, आंखों में दृष्टि दोष तथा अन्य रोग होने के कारण भी माइग्रेन का दर्द व्यक्ति को हो सकता है। चौथा चीज, यकृत यानी जिगर में किसी प्रकार की खराबी तथा शरीर में अधिक कमजोरी आ जाने के कारण व्यक्ति को माइग्रेन आधे सर का दर्द हो जाता है। पांचवा कारण, असंतुलित भोजन का अधिक उपयोग करने के कारण रोगी को माइग्रेन हो सकता है। छठा कारण, अधिक श्रम विश्राम करने, शरीर तथा मानसिक तनाव हो जाने के कारण भी यह रोग व्यक्ति को घेर लेता है। सातवां कारण, औषधियों का अधिक उपयोग करने के कारण भी माइग्रेन यानी आधे शरीर का दर्द हो जाता है। दोस्तों, आधे सिर के दर्द को ही माइग्रेन कहा जाता है। आइए, माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति का प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे उपचार करना चाहिए। पहला, इस रोग से पीड़ित रोगी का प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करने के लिए सबसे पहले रोगी व्यक्ति को रसाहार यानी चुकंदर, ककड़ी, पत्ता गोभी, गाजर का रस तथा नारियल पानी आदि का सेवन भोजन में करना चाहिए और इसके साथ साथ उपवास भी रखना चाहिए। माइग्रेन से पीड़ित रोगी को अधिक मात्रा में फल, सलाद और अंकुरित भोजन करने चाहिए। इसके बाद सामान्य भोजन का सेवन करना चाहिए। दूसरा, रोगी व्यक्ति को अपने भोजन में मेथी, बथुआ, अंजीर, आंवला, नींबू, अनार, अमरूद, सेब, संतरा तथा धनिया का अधिक सेवन करना चाहिए। माइग्रेन रोग से पीड़ित रोगी को भोजन संबंधित गलत आदतों, जैसे रात के समय देर में भोजन करना तथा समय पर भोजन न करना आदि को छोड़ देना चाहिए। चौथी चीज, रोगी व्यक्ति को मसालेदार भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इसके अलावा बासी, डिब्बा बंद तथा मिठाई आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पांचवा, माइग्रेन रोग में रोगी व्यक्ति को कुछ दिन तक तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ सुबह शाम चाटना चाहिए। इसके अलावा दूब का रस भी सुबह के समय में चाट सकते हैं, जिसके फलस्वरूप माइग्रेन कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। माइग्रेन का इलाज करने के लिए पीपल के कोमल पत्तों का रस रोगी व्यक्ति को सुबह तथा शाम सेवन करने के लिए देने के फलस्वरूप माइग्रेन रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। सातवीं चीज, माइग्रेन रोग का इलाज करने के लिए रोगी व्यक्ति के माथे पर पत्ता गोभी का पत्ता प्रतिदिन बांधना चाहिए, जिसके फलस्वरूप यह रोग कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। आठवां उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा नाक से भाप लेकर रोगी व्यक्ति के माइग्रेन रोग को ठीक किया जा सकता है। नाक से भाप लेने के लिए सबसे पहले छोटे से बर्तन में गर्म पानी लेना चाहिए। इसके बाद रोगी को उस बर्तन पर झुकाकर नाक से भाप लेना चाहिए। इस क्रिया को कुछ दिनों तक करने के फलस्वरूप माइग्रेन रोग अपने आप ही ठीक हो जाता है। नौवां उपचार, माइग्रेन रोग को ठीक करने के लिए कई प्रकार के स्नान भी होते हैं, जिन्हें प्रतिदिन करने से रोगी व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ होता है। ये स्नान इस प्रकार है, रीढ़ स्नान, कुंजल, मेहन स्नान तथा गर्म पाद स्नान। दसवां, माइग्रेन रोग का इलाज करने के लिए प्रतिदिन ध्यान, श्वासन, योग निद्रा, प्राणायाम तथा फिर योगासन क्रिया करनी चाहिए, इसके फलस्वरूप यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि माइग्रेन होने के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या क्या आयुर्वेदिक उपाय हैं। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।